हाँ जी सर, जो 25 नवंबर नू रेल रोको अंदोलन तुसीं कीता आ सफलतापूर्वक होया तो अज जिहड़ा मीटिंग रखण दा तुहाडा एजेंडा की है? हाँ जी, सब तो पहले तो मैं तुहाडे चैनल दे माध्यम राही पूरे देश के साबका सैनिक, पूरे पंजाब के साबका सैनिक और साबका सैनिक जथेबंदियों का तह दिल तो धन्यवाद करदा कि जिहड़ा 25 तरीक नू जिहड़ा रेल रोको अंदोलन सफल होया। एक्चुअली जो दिल्ली का प्रोग्राम दिता गया सीगा और दिल्ली दे उत्थे इन्नी कु फोर्स लगी हुई हरियाणे दे विच सब जगह आपां रात नू मतलब रैकी कीती है, जिवें फौज दे विच आपां कोई ऑपरेशन करन तों पहले रैकी करदे हैं, ते पिन पॉइंट कोई होर दिता हुंदा ते निशाना कितें होर हुंदा। इदां ही जे साडा पिन पॉइंट दिल्ली सीगा, सानूं पता है कि दिल्ली दे विच असीं नहीं इकट्ठे हो सकते, ना ही सानूं फोर्स ने इकट्ठे होण देणा है। उत्थे दिल्ली दे विच वी साडे जिहड़े साबका सैनिक दूर दराज दूजे केरला तों सौदर साइड तों होर स्टेटां तों वी जिहड़े आए ने, वो कोई ट्रेनर राही आए हैं, कोई एक दिन पहले आ गए, कोई उदन आ रहे हैं, वह अलग अलग जिहड़े जिथे जिथे भी वो ट्रेना तो उतरे पुलिस ने उन्होंने जो है अरैसट कर लिया। और वो बाद तीन जगह साढ़े साबका सैनिक जिहड़े आ कुछ कमला बाजार थाने दे विच अरैसट किए गए और कुछ जिहड़े साढ़े साबका सैनिक रेलवे स्टेशन से डिटेन किए गए और बाकी जिहड़े साबका सैनिक ज़्यादातर जंतर मंत्र ते पहुँचे, जो मिस्टर मोहर ने जो चेन्नई वाले उन्हों की अगवाई देते भी प्रोग्राम होया। ये जो संभू बार्डर का प्रोग्राम बनाया गया, ये अचानक रातों रात सानू प्रोग्राम जिहड़ा चेंज करना पिया। असीं धन्नवाद करते हैं अपना जनरल सैकटरी का जिन्होंने इहदी प्रोग्राम की गोपित इहनू मतलब गुप्त रखिया और गुप्त रखण के कारण ही असीं जिहड़ा सक्सैस होए हैं। मैं अपने साबका सैनिक भरावां नू, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने ग्राउंड दे विच नौकरी कीती है, उन्होंने इस चीज़ के उत्ते पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि दिल्ली क्यों नहीं गए, उत्थे क्यों नहीं गए। सर, ये जिहड़े जथेबंदियां जां जिहड़ा कमांडर कोई प्रोग्राम लीकदा, वो कमांडर नूं पता हुंदा कि किद्दां असीं ऑपरेशन दे विच सक्सैस होना है, तो असीं सक्सैस होए हैं। भावें असीं थोड़े बंदे सीगे, ज़्यादा बंदे सीगे, वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता कि साडी आवाज़ अज तक असीं 20 फरवरी से बैठे हुए थे जंतर मंत्र से, कितने प्रोग्राम कर लिए, डीसीओ को मेमोरेंडम दे दिए, एमपीओ को दे दिए, इकट्ठ कर लिए और संसद मार्च करके प्रोग्राम लीके, लेकिन आज तक किसी भी नेशनल न्यूज़ ने, नेशनल चैनल ने या प्रिंट मीडिया ने हमारी जो खबर नहीं लगाई। सब तो वड्डी साडी सफलता यही है कि जिहड़ा असीं 12-14 घंटे का जाम रखिया रेलवे ट्रैक संभू, इतों एक मैसेज गया और साढ़े जे दूजे स्टेट के साबका सैनिक जथेबंदियां या होर भी उन्होंने मनों के डर भी निकलिया है। और ये साडा एक ट्रेलर सीगा जो कि साढ़े उत्ते इन्ना दबाव पैण के कारण असी 1500-2000 साबका सैनिक उत्थे सीगे 2500 तक, लेकिन पुलिस का जोड़ा संख्या बल है साढ़े तो 10 गुणा सीगा उत्थे, ते फिर भी पुलिस प्रशासन ने, सिविल प्रशासन ने साड़ी जिहड़ी है राज्यपाल साहब के नाल गलबात कराई और राज्यपाल साहब ने सानू आश्वासन दवाया कि तुहाडा जिहड़े ये जिहड़ियां मंगां बिल्कुल जायज ने और 4 दिसंबर नूं उन्होंने दिल्ली जाना है तो उत्थे उन्होंने गल करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के नाल। उहदे बाद फिर दोबारा साड़ी फॉलोअप मीटिंग होएगी, उहदे बाद अगला प्रोग्राम लिखा जाएगा। फिलहाल अज की जिहड़ी साड़ी मीटिंग का एजेंडा, असीं फिर दोबारा साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पूरे साढ़े जिला प्रधान, स्टेट टीम, नैशनल टीम साढ़े इतने आए हैं, असी पूरे साबका सैनिकों जोड़ा 25 तरीक का साडा साथ दिता वास्ते फिर दोबारा धन्यवाद करते हैं। तो अगला जोड़ा साडा प्रोग्राम है वो असी जिन्हिया भी पंजाब दी जथेबंदियां ने जिन्होंने साडा 25 तरीक नूं भी साथ दिता, जिदे विच वेलफेयर सोसायटी बठिंडा हौलदार भोला सिंह जी, वेलफेयर सोसायटी अमृतसर जिदे प्रधान है साडे सुखदेव सिंह जी, और वेलफेयर सोसायटी अपने अटारी हौलदार सूरा जसबीर सिंह सूरा जी, और बाद यूनाइटेड वेलफेयर सोसायटी बरनाला जिदे प्रधान सूबेदार मैं हरदीप सिंह रंधावा, और क्रांतिकारी यूनियन जिन्हां दे प्रधान साडे हौलदार प्रगट सिंह जी नाभा वाले,
वेलफेयर सोसायटी मोहाली कैप्टन प्रेम सिंह जी, वेलफेयर सोसायटी पठानकोट जिदे प्रधान है सूबेदार ओम प्रकाश जी, जो जिन्हों की ड्यूटी आ रही जंतर मंत्र से दबा रहे हैं, और उसके बाद होर भी जड़िया जथेबंदियां साढ़े नाल आना चाहदियां ने, उन्हों का असं तह दिलों धन्यवाद करते हैं। और असं यह भी अपील करते हैं, पहले भी अपील कर चुके हैं कि कोई भी संस्था जी नैशनल लैवल की या स्टेट लैवल की अगला प्रोग्राम लिखना चाहती है तो हम उनका जोड़ा साथ देंगे प्रॉपर तरीके का। पूरी जथेबंदियों वालों मैं गरंटी लेना, जड़िया संघर्ष कमेटी के नाल अलायंस ने उन्हों का भी समर्थन मिलेगा। अगर कोई भी संस्था आगे लगना चाहती है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। वो बाद असी तो जोड़ा वा उखली सिर दिता ही होया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, असी कभी भी पिछे नहीं हटना। अगर कोई संस्था अपनी जमुर लेंदी है तो असी वो नाल, नहीं अगर कोई लेंदी असी जो अगला प्रोग्राम लिखांगे उसके वास्ते पूरे दे पंजाब दी जथेबंदियों की जी असी मीटिंग कॉल कर जा रहे हैं। दिन वीरवार शुक्रवार एक तरीक न शुक्रवार मोगा उत्थे फ्रीडम फाइटर हॉल है बस स्टैंड के लागे, वो लोकेशन भी असी ग्रुपां दे विच पा देवांगे। एक तरीक न टाइम 11 बजे जिन्हिया भी साढ़े नाल आर आर डी जथेबंदियां जिहड़ियां साढ़े नाल 25 तरीक न आईया ने, जां उस तों इलावा भी कोई जथेबंदी साढ़े विच आना चाहती है साढ़े समर्थन दे विच आना चाहती है उन्हां दा भी असीं वेलकम करते हैं। तो ये जिहड़ा 1 दसंबर मोगा विखे फ्रीडम